नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय पूर्व। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नागौर के पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र के ललाना में एक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में माँ दुर्गा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसमें आयोजित समारोह में दिग्गज नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने जोरदार भाषण दिया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ मजबूत व्यक्ति रखता हूँ, मजबूत लोगों से ही दोस्ती रखता हूँ और मजबूत लोगों से ही दुश्मनी रखता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मजबूत व्यक्ति साथ रहेगा तो आपका साथ देगा और कमज़ोर अगर साथ देने की जब बारी आएगी तो पीछा छुड़ा के चला जाएगा या भाग जाएगा। और उन्होंने कहा कि आदमी को हर तरीके से सक्षम होना चाहिए और उन्होंने ये भी बात कही कि वो भगवान की कृपा से ही आज इतने बड़े स्तर पर पहुँचे हैं। हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान सब देख रहा है, इसलिए उन्होंने इस भव्य आयोजन में भगवान को लेकर भी कई अच्छी बातें कही कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है, इसलिए सभी को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में रहा हूँ चाहे बिजनेस में रहा हूँ, मैं किसी से भी नहीं दबा हूँ। हर तरीके से चाहे मैंने राजनीति करी हो, चाहे मैंने बिजनेस किया हो, किसी से दब के या चाटुकारिता करके मैंने ये काम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आदमी संघर्ष से बड़ा बनता है, चापलूसी से या चाटुकारिता से बड़ा नहीं बनता है। तो भंवर सिंह पलाड़ा का ये जो भाषण रहा अपने आप में एक बहुत ही ज़ोरदार और दमदार भाषण रहा। इन्होंने राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और चाहे कोई अगर व्यापारिक जीवन है उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और अपने जीवन को लेकर भी उन्होंने सबके सामने बातें रखी। वहाँ पर मौजूद लोगों के बीच जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं, और भंवर सिंह पलाड़ा एक काफ़ी दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं, अजमेर के अंदर उनका काफ़ी प्रभाव माना जाता है। तो देखिए भंवर सिंह पलाड़ा का ये भाषण। बुजुर्ग महत्तर शक्ति, सभी मेरे युवा साथी, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा की आज प्राण प्रतिष्ठा, जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। हम सबका सौभाग्य कि इस कार्यक्रम में हम सब यहाँ पे आज आए और हम सबको दर्शन करने का अवसर मिला। मैं जब माताजी का बहुत आज के 35-40 साल पहले मैं इनके आया था, जब बहुत छोटा था, लगभग मैं 10-12-13 साल का था जब मैंने इनके दर्शन किए थे, और आज मुझे अवसर मिला है दर्शन करने का और उनका आशीर्वाद लिया। आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं पहले बार आया था तो मैं ट्रैक्टर में बैठ करके आया था इस माता जी के दर्शन करने के लिए, और आज भगवान शिव की कृपा से आज पूरे राजस्थान में जो मुझे आशीर्वाद मिला है वो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मिला है, जो आज मैं इसी स्टेज पर आके आज खड़ा हुआ हूँ। चाहे राजनीतिक हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पहचान हो, वो सब इन्हीं की मातेश्वरी की कृपा की वजह से आज मैं इस स्थान पे मैं आज खड़ा हूँ। तो ये मातेश्वरी माँ दुर्गा का, भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। जो भगवान की भक्ति करता है उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, और भक्ति और शक्ति दुनिया में और कुछ सब कुछ चला जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति और ये शक्ति कहीं भी नहीं जाती है। हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भगवान का जो दर्शन करता है भगवान से आशीर्वाद लेता है, जो भगवान की पूजा करता है वो व्यक्ति कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। चाहे वो महाराणा प्रताप की तरह अपनी पहचान बनाता है, पृथ्वीराज चौहान की तरह पहचान बनाता है, तो भगवान शिव के आशीर्वाद से बनाता है, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से बनाता है। वो चाहे बिजनेस में जाए, चाहे व्यवसाय में जाए, चाहे वो राजनीतिक में जाए, जो व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था रखता है और जो भगवान के प्रति आस्था रखता है वो ईमानदारी से काम करता है, वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता है, वो 3600 कौम को साथ लेके चलता है, वो देखता है कि मैं अगर कोई भी गलत काम करूंगा तो मुझे भगवान देखता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलत काम करूंगा तो भगवान मुझे साक्षात देख रहे हैं, क्योंकि उसके मन में एक भगवान के प्रति आस्था होती है, दिल में उसके प्रति दया की भावना होती है, वो सबके प्रति अच्छा सोचते हैं लोग। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं तो जब तक भगवान शिव की पूजा करे बिना, मैं घर से मातेश्वरी की पूजा करे बिना घर से नहीं निकलता हूँ। मेरे मन में हर वक्त बचपन से ही मैं पूजा पाठ में इनमें विश्वास रखता हूँ, और ये जो आज आप लोगों ने आयोजन किया है, और महिपाल, मुझे आज इस बात की खुशी है कि महिपाल सिंह मेरे एक छोटे परिवार के सदस्य के रूप में रहा है। आज जो ये जो महिपाल जो कम से कम 4-5 साल मेरे पास रहा था, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैंने एक वटवृक्ष एक पौधा लगाया था
वो एक राजनीतिक में जिस प्रकार से मैं मजबूत और मर्दानगी से राजनीति करता हूँ, उस प्रकार से महिपाल भी मेरे चेले के रूप में एक इस परिसर में मजबूत एक नेता के रूप में आपके यहाँ पे काम कर रहा है। इस बात की खुशी होती है जब अपना व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करता है, मजबूती से करता है, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो दुश्मन भी मजबूत रखता हूँ, दोस्त भी मजबूत रखता हूँ। मुझे जब खुशी होती है कि जब दुश्मन मेरा मजबूत हो उससे संघर्ष करने का मजा आता है, जब दोस्त भी ऐसा होना चाहिए वो भी मजबूत होना चाहिए। और मजबूत आदमी सदा कहीं भी मजबूत कहीं भी खड़ा होता है वो सदा अपना मजबूती से साथ देता है। कमजोर व्यक्ति के साथ हम खड़े रहते हैं तो कमजोर आदमी कब अपना पीछा दिखा दे, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को नहीं बचा पा सकता तो दूसरे को कौन रक्षा कर सकता है। तो आदमी को मजबूत होना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने वालों की पहचान होती है, चमचागिरी करने वालों की कभी कोई पहचान नहीं होती है। मैंने राजनीतिक में मैं भी एक छोटे से गांव से पलाड़ा से निकला, आज कहीं भी राजस्थान के किसी भी कोने में कहीं भी आपकी कोई गाड़ी रुक जाए, कहीं भी आप जाके अगर कोने में चाहे यहाँ से हनुमानगढ़ से लेके और डूंगरपुर तक भी चले जाएंगे ना तो एक बार भंवर सिंह पलाड़ा को जरूर पहचान बनेगी। वो आपके नागौर जिले की है। आज मेरी जो पहचान बनी वो नागौर जिले के आप सबके आशीर्वाद से बनी है। ये आप सबका सहयोग और आशीर्वाद था। कभी भी मैंने जीवन में संघर्ष करना सीखा है। मैंने यही सोचा है कि जीवन में सबको साथ लेके चलो, सब जाति समाज को साथ लेके चलो, छत्तीसों कौम को साथ लेके चलो। अपन राजपूत तो ही राजपूतों के साथ में जो व्यक्ति, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हम सबको साथ लेके चलना चाहिए। सबका जो हमारा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि हम सब जाति समाज के धर्म। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू समाज में पैदा हूँ, राजपूत तो हूँ राजपूत के साथ में मैं हिंदू समाज में पैदा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो हम सबको इस हिंदुत्व के लिए हम सबको काम करना चाहिए। जो हिंदू धर्म हमारा सबसे रहेगा तो हमारी ये जाति और समाज रहेगी। इसलिए हमारा सबका सोच रहना चाहिए कि हम किस प्रकार से हम इस धर्म को बचाएं, उसके लिए हम सबको कार्य करना चाहिए। मैं इसी अनुसार मैंने जीवन में संघर्ष सीखा, ये झुकना कभी नहीं सीखा, न कभी डरना सीखा, न किसी से दबना सीखा। आज तक का आप रिकॉर्ड देख लेना, लोग हर राजनेता की चमचागिरी में लाइन में लगे खड़े रहते हैं, लेकिन भंवर सिंह पलाड़ा न तो आज तक बिजनेस में कहीं चमचागिरी करके आगे बढ़ा, न और राजनीति में कभी चमचागिरी करना पसंद करता हूँ। अगर किसी के आगे झुकाऊं तो भगवान शिव के आगे झुकाऊं, या इस धरती माता पे रहने वाले कोई गरीब और गणेश के समान समझ करके झुकाऊं। बाकी आम आदमी के कोई सोचे कि मेरे से बड़ा, मैं तो बड़ा समझता हूं तो भगवान शिव को समझता हूं, माँ दुर्गा को समझता हूं, कि ये शक्ति है, जो ये शक्ति है जो हमें ताकत देती है। इस शक्ति के अगर आप याद रख के आराधना करके अगर आप आगे बढ़ोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है वो रोक सकती है। आप कितने भी विरोधी, कितने भी शक्तियां आपका नुकसान करना चाहती है, कितना भी आपको पीछे छोड़ना चाहती है, लेकिन उनकी गाड़ी कभी नहीं रुक सकती, उनका कदम आगे बढ़ता है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, आज दुर्गा के रूप में हमारे माताएं इतनी बैठी है, आप सबका जो आज इस भक्ति के प्रति, क्योंकि आज पुरुष भी आए लेकिन ये जो दुर्गा है, क्योंकि इनको तो सब कुछ जो दिया है भगवान ने, भक्ति का ही काम दिया है। आज भी हमारे घर में अगर कोई सबसे बड़ी इनकी कोई हमारे शक्ति हमारे पीछे तो ये माताओं की है। इसलिए हमें महिला है इनके सम्मान करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। जो आज महिलाएं की आशीर्वाद से जो परिवार में जो हमारे आज, क्योंकि इनका दान पुण्य है, और जो महिलाओं का जो भगवान के प्रति भक्ति है उसके पीछे हम पुरुष आगे चलते हैं। तो हम तो ये दुर्गा के रूप में हम महिलाओं को मानते हैं कि दुर्गा का ही आशीर्वाद होता है। हालांकि मैं आज इस कार्यक्रम में आया और मुझे रुकना था, मुझे और भी आगे कार्यक्रम थे, आज दिन भर से मेरे नागौर जिले के ही दौरे थे। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये नागौर जिला है, कभी भी कोई काम हो आपको, अजमेर में बैठता हूँ, आपका भाई अजमेर बैठता है और मजबूती से काम करता है। कभी भी कोई काम हो आपका, कोई अधिकारी का, जो नागौर जिले का कोई अधिकारी काम नहीं करता है, चाहे बिजली बोर्ड का हो, चाहे और किसी बोर्ड का हो, कहीं भी कोई काम आप लोगों का अटक जाए तो मेरे घर के दरवाजे अजमेर में खुले बैठे हैं। समस्त यहाँ के अधिकारी जो अजमेर के बैठे, उसके ऊपर के बॉस बैठते हैं, अजमेर में बैठते हैं। आप आधी रात को याद कर लेना, कहीं भी कोई काम अटक जाए तो भंवर सिंह पलाड़ा को याद कर लेना। भंवर सिंह पलाड़ा ईमानदारी से काम करता है, मजबूती से करता है, न किसी से डरता है, न किसी से दबता है। अधिकारियों को कहता हूँ, न पैसा एक खाता हूँ, न किसी को खाने देता हूँ। इस बात का राजस्थान में भी आप सबको राजदिन फेसबुक और देखते हो, आप सबको सबको साथ लेके चलता हूँ, सबका साथ सबका विकास।
इसी अनुसार मैं राजनीति में काम करता हूँ और सब जाति समाज को साथ लेकर चलता हूँ। ये नहीं लोग कहते हैं कि भाई लोगों पे लग जाते हैं, लेकिन सब जाति समाज को साथ, इस लोकतंत्र में सब जाति समाज को साथ लेकर चलता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम था। मैं महिपाल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तूने अच्छा जो अच्छा कार्यक्रम किया उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।